सैंडविच खाना किसे नहीं पसंद। हम सबको एनी टाइम स्नैक्स जो है वो है सैंडविच। हर समय हमें एक ही चीज पसंद आती है, वो होते हैं सैंडविच। जब भी दे दो अच्छे ही लगते हैं और ये बन भी बड़े आराम से जाते हैं। आज मैं एक अलग तरह से आपको सैंडविच बनाना बताऊंगी, जैसे हम कैफे में खाते हैं वो वाले सैंडविच, और ये बहुत बढ़िया लगते हैं अगर आप इसे बनाएंगे तो। आप मेरे स्टाइल से बनाइए सैंडविच, आपको मजा आ जाएगा खाने में। तो चलिए मेरे साथ मेरी खट्टी मीठी रसोई में इस बढ़िया से सैंडविच को बनाने के लिए, क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। There's not much to do when all I can is thinking. आज हम बना रहे हैं कैफे स्टाइल सैंडविच। इसके लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। आप कोई भी बटर ले सकते हैं इसमें, मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। और इसके अंदर हम डालेंगे ओरिगैनो। इसे मिक्स करके हम एक साइड रखेंगे। और यहाँ पे मैंने ली है ब्रेड, यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड ली है। आप चाहें तो इसमें मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं और आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और अब इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैं क्रीम चीज ले रही हूँ, आप इसकी जगह मेयोनीज भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास मेयोनीज ना हो तो आप इसमें फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम 2 से 3 क्लोव्स गार्लिक की। ग्रेट करके डालिए, आपको इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा। कैफे में होते हैं ये सब चीजें, आप जरूर डालिए। और अगर गार्लिक ना हो तो गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, बेसिल रेड और ग्रीन ली है मैंने, चिली पार्सले लिया है। अब बेसिल को इकट्ठा करके हम नाइफ की मदद से इसको कट कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश बेसिल ना हो तो आप इसकी जगह ले सकते हैं ड्राई जो आती है बेसिल, वो भी ले सकते हैं। और वो भी ना हो तो ओरिगैनो ले सकते हैं, या पार्सले जो होता है वो भी ले सकते हैं ड्राई। लेकिन बेसिल का टेस्ट तो सुपर लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं अनियन ले रहे हैं और गार्लिक, दोनों हमने लिए हैं, स्प्रिंग अनियन और गार्लिक। गार्लिक की जो लीव्स होती है वो लिए हैं। इससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, जरूर डालिए। ये बहुत डिफरेंट तरह का, बहुत बढ़िया लगता है सैंडविच। और इसका व्हाइट पार्ट भी लेंगे हम अनियन का। यहाँ पे मैं दूसरा रेड वाला नहीं डाल रही, व्हाइट वाला डाल रही। विंटर है और आसानी से मिल जाता है, तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए इसको आप जरूर यूज कीजिए। गार्लिक का भी लिया है थोड़ा सा व्हाइट पार्ट। और यहाँ पे मैं ग्रीन कैप्सिकम नहीं ले रही, जो आती है ये ग्रीन वाली चिली ये ले रही हूँ। आपके पास अगर ग्रीन कैप्सिकम हो तो वो भी ले सकते हैं, और रेड वाली भी ले सकते हैं, येलो वाली भी ले सकते हैं। इनका टेस्ट तो वैसे भी बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए, ये वाली मैंने ली है ग्रीन। इसमें क्या होता है कि इसका ना ज्यादा तीखा टेस्ट नहीं होता, तो जो हमें ग्रीन चिली जो छोटे वाली लेते हैं वो ज्यादा तेज होती है, ये नहीं होती, इसे मैं इसको यूज कर रही हूँ। बहुत बढ़िया लगता है टेस्ट रेड और ग्रीन का। आप इसकी जगह कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। और ये पार्सले है, पार्सले का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अगर आपके पार्सले नहीं है तो आप इसमें कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, पार्सले का भी बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है। अब हम ये सारी जितनी भी हमने सब्जियां काटी हैं इसको हम इसके अंदर डालेंगे अपने चीज में। क्रीम चीज जो लिए उसमें डाल देंगे, और इसी के साथ डाल देंगे हम कॉर्न। कॉर्न तो सब किसी भी चीज में डाल दो उसका टेस्ट बढ़िया ही आता है।
तो यहाँ पे हम कॉर्न भी डालेंगे। जितनी भी हमने इसमें डाली है ना चीजें, उसका आप एक बार सैंडविच बना के देखिए, बहुत बढ़िया लगेगा। थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, बहुत ज्यादा नहीं डालिए, जितना आप खाते हो उसे थोड़ा सा कम डालिए। और ब्लैक पेपर, ये फ्रेश है, फ्रेश का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे हम मिक्स करेंगे। अगर आप चाट मसाला डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, या पेरी पेरी जो मसाला आता है वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रीम चीज और डाल रही हूँ, 2 चम्मच और डाला है। अब जो हमने ऑयल तैयार किया था वो लगाएंगे अपनी ब्रेड स्लाइस पर। आप ऑयल सनफ्लावर या मूंगफली का कोई भी हो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल का टेस्ट तो बहुत बढ़िया ही आता है। अब हम दूसरी जो ब्रेड है उसके ऊपर हम लगाएंगे, ये अपनी स्टफिंग जो तैयार की थी वो लगाएंगे, अच्छे से भरकर लगाएंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और ऐसे हम ऊपर लेंगे और एक स्लाइस में फिर लगाएंगे। और अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चीज स्लाइस जो आती है वो लगाई है। और जो हमने ऑलिव ऑयल लगाया था उसके दूसरी साइड हम लगाएंगे ये टोमेटो सॉस लगाएंगे। अगर आपको चिली सॉस पसंद है तो वो भी बीच में आप डाल सकते हैं। और इसमें हम लगाएंगे हल्का सा नमक और काली मिर्च। और इसके ऊपर लगा रही हूं मैं सैलेड पत्ता, लेटस लीव। पैन ले रही हूं, उसके ऊपर बटर लगाऊंगी और ये हम अपने सैंडविच जो है वो उसके ऊपर रख देंगे। और आपका ये जो ग्रिल पैन है ये अच्छे से गर्म होगा तभी इसके मार्क्स आएंगे। इसको बहुत अच्छे से प्रेशर देंगे ऊपर से ताकि जो आपके मार्क्स है वो अच्छे से आ जाए, ग्रिल मार्क्स। और 1 मिनट का टाइम दीजिए, फिर इसको पलटिए, फिर ऊपर से दबाव देंगे अच्छे से। चाहे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और इसको बगैर सेके भी खा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे पसंद है। मुझे तो ये क्रिस्पी पसंद है, आपको जैसे पसंद है आप वैसे बना लीजिए। और अब हमारे ये तैयार हैं, इसको बीच में से कट करेंगे। अब इसको सर्व करेंगे हम कैफे स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं जो हमारे ये चिप्स आते हैं, सॉल्टेड चिप्स हैं वो लिए हैं और सॉस ली है। ऐसे सर्व कीजिए, लीजिए तैयार है हमारे बहुत बढ़िया सैंडविच। चलिए जी, पहले देखें कितने सुंदर लग रहे हैं। अब है टेस्टिंग की बारी। बहुत यम्मी लगता है ये, बहुत ही यम्मी। अब हम दूसरा बना रहे हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे जरूर बनाइए।
यहाँ पे मैं जुकीनी ले रही हूँ। इसे हम स्लाइस कर लेंगे और यहाँ पे हमने ग्रेट किया है गार्लिक। और ऑलिव ऑयल डाला है बीच में। फ्रेश डालेंगे ब्लैक पेपर। सॉल्ट, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ओरिगेनो भी डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारे जो है इसके ऊपर हम लगाएंगे और ग्रिल पैन को गरम करके उसके ऊपर हम अपनी जुकीनी को लगाएंगे। आप इसके ऊपर ग्रिल पैन के ऊपर रख के फिर भी लगा सकते हैं। एक साइड प्लेन कीजिए, फिर उसके ऊपर लगाइए और उसको ग्रिल पैन के ऊपर रखिए। ऐसे भी लगा सकते हैं और पैन पर रखकर भी लगा सकते हैं। पहले एक साइड सिक जाए तो आप इसके बाद ये लगाइए। जो हमारा ऑयल है ऊपर रखकर भी लगा सकते हैं, जो तरीका पसंद हो आप लगाइए। और जब इसके मार्क्स आ जाएं ग्रिल पैन के तब आप इसको पलटिए। ये भी बहुत टेस्टी लगता है, आप ऐसे भी खाएंगे तो भी बढ़िया लगेगा। इसको भी दबाएंगे अच्छे से आ जाए आपके जो ऊपर निशान आते हैं ना, वो देखने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। ये काम आप नॉर्मल वाले पैन में भी कर सकते हैं। इसमें गार्लिक और ओरिगैनो का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। ऐसे आप बना करके ऊपर लगा के ब्रेड के ऊपर रख करके खाइए या ऐसे भी खा सकते हैं। प्रेशर देकर हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। जब दोनों अच्छी तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएगी अब गैस बंद कर देंगे और दूसरी तरफ हम एक ब्रेड ले रहे हैं उसको कटर की मदद से सर्कल निकाल लेंगे। आप इसे कटोरी की मदद से भी निकाल सकते हैं। अब चाहे तो आप ब्रेड को सेक सकते हैं, टोस्ट कर सकते हैं या इसको बटर में सेक सकते हैं। यहाँ पर मैं प्लेन रख रही हूँ, सिंपल इसके ऊपर मैं मेयोनीज लगा रही हूँ। अब अच्छे से फैला लेंगे सब तरफ। और जो हमने जुकीनी को सेका था अब इसके ऊपर हम लगाएंगे। अनियन रिंग लगाएंगे। यहाँ पे चेरी टमाटर ले रहे हैं, वो बीच में से कट करके लेंगे। ये थोड़े अलग टेस्ट होता है इसका, आप जरूरी नहीं है कि यही लीजिए, आप सिंपल टमाटर भी ले सकते हैं। सॉल्ट लगाएंगे हल्का सा और फ्रेश ब्लैक पेपर। वैसे ही हम दूसरा भी बना लेंगे। और ग्रीन जो चिली होती है उसको ऊपर कट करके लगाया है, इससे भी
एक थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है, तो देखने में भी सुंदर लगता है। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, स्क्वेयर रखकर भी बना सकते हैं। अब इसको है टेस्ट कर, वाओ ये बहुत टेस्टी लगता है, अलग टेस्ट है बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया लगता है। ये भी आप बना के खाइए, आपको मजा आएगा। तो दोनों ट्राई कीजिए, मेरी ये सैंडविच की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बनाइए, खाइए और मुझे बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।